हेलो बच्चों, मैट्रिक्स के अभी तक हमने 3 ट्यूटोरियल डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, बेसिक ऑपरेशन भी पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमने अब एक्सरसाइज 3.1 मैंने बोली थी आपको करने के लिए, मैक्सिमम बच्चों ने कर लिए, किसी को एक दो क्वेश्चन में डाउट है तो मैं सारी एक्सरसाइज फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। राइट, तो एनसीईआरटी की जो 3.1 एक्सरसाइज है मैट्रिक्स चैप्टर की, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताओ। तो ऑर्डर तो हमें पता है क्या होता है, ऑर्डर होता है कि उसमें पहले हम रो काउंट करते हैं, तो एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो हैं इसकी। कॉलम कितने, कॉलम वर्टिकल वाले होते हैं, तो कॉलम हमारे पास चार है, तो क्योंकि इसका रो तीन है, ऑर्डर चार है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4 या 3:4। राइट, अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो या तो आप काउंट कर सकते हैं, नहीं तो 3/4 12, तो 12 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि एक रो में चार एलिमेंट हैं और तीन रो है तो 4 3 12, तो टोटल कितने 12 एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन था। अब चलते हैं सी पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे क्या है, हमसे कुछ एलिमेंट्स पूछे हुए हैं। A13 का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था कि ए आई जे का मतलब होता है ith रो और jth कॉलम, यानी ये रो होती है कि इस रो में आ रहा होता है और jth कॉलम होता है ना, तो कॉलम। तो अब हमें देखना है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं, वैसे ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड रो है, तो 19 आ रहा है, नहीं तो आप ऐसे मार्क करके भी बार बार देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रब कर देता हूँ ताकि आगे के नंबर्स आप देख सकें। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 हो गया। फिर आपसे पूछा है 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जब जाएंगे तो 35 आ जाएगा। फिर पूछा आपसे A33 बताइए, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो यानी इसमें तीसरा एलिमेंट बताना है, तो हो जाएगा -5। फिर हमें बताना है A24, यानी सेकंड रो में जाएंगे, फोर्थ एलिमेंट बताएंगे, सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। और लास्ट पूछा है A23 बताओ, तो सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट हमारा 5/2। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हमसे पूछी गई है। राइट, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स में ना 24 एलिमेंट हो तो उनको कैसे अरेंज कर सकते हो। तो कहेंगे 24 एलिमेंट है तो 24 को हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है सबको एक ही लाइन में लगा दें, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 24 है ना, मतलब बेसिकली हमें देखना है एज अ प्रोडक्ट 24 कब आएगा, तो 24 की तरह से फैक्टराइजेशन करनी है और फिर देखना है। तो 2 × 12 भी हो सकता है, 3 × 8 भी हो सकता है, 8 × 24, 4 × 6 भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3 और 6 × 4, तो ये सारे के सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अब वो कह रहे हैं 13 अगर एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया अभी जब 24 एलिमेंट है, अब अगर 13 एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, तो अब देखना है आपको कि 13 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हो। अब क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को तो हम दो ही तरीके से लिख सकते हैं, है ना, जब इसको बनाएंगे, तो पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 × 31 हो सकता है या 13:1 हो सकता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 एलिमेंट है आपके पास, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे फॉर 18 एलिमेंट्स हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या आ सकते हैं। अब आपको देखना है कि 18 किस किस के टेबल में आता है बेसिकली, यही मतलब हुआ, तो 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, तो फिर 6 आ गया, तो 6 × 3, फिर 9 × 2 और फिर 18 × 1, तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इसी तरह से 5 के लिए, जब 5 एलिमेंट होंगे तो हम कहेंगे 5 एलिमेंट हैं, तो 5 तो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम दो ही तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो उससे डिवाइड करके या फिर 1 से डिवाइड करके, तो यानी प्राइम नंबर के लिए हो जाएगा ऑर्डर 1:5 या 5:1। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सबका हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें मैट्रिक्स बनाना है 2/2 का, तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, इसका मतलब है कि हमें टोटल 4 एलिमेंट चाहिए। तो पहली रो में क्या क्या एलिमेंट होंगे, 1 रो फर्स्ट कॉलम 1 रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बस इसके आगे जाना नहीं क्योंकि 2 कॉलम से आगे जाना नहीं, फिर 2 1 2 2, ये 4 एलिमेंट होंगे। अब वो कह रहे हैं ये चारों एलिमेंट निकालो और हर एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि भी जो और आई और जे है उनका
ऐड करके स्क्वायर करके डिवाइड बाई टू करना है। तो या तो हम एक एक करके निकाल लें कि भाई देखो ए वन वन निकालना है, तो ए वन वन निकालने के लिए या तो आप ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो कि भाई ए वन वन निकालना है तो वन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू ऐसे लिख सकते हो, जो आ जाएगा दो का स्क्वायर चार बाय दो दो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिखते हैं जैसे, तो ये आ जाएगा टू। अब अगला वन और टू को ऐड करोगे थ्री, क्योंकि हमें ये दिखना है, तो आई और जे इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो आई वन है जे टू है, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो नाइन बाय टू हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है इसको डिवाइड करना, आप नाइन बाय टू लिख सकते हैं। अगला भी टू और वन है, तो टू और वन थ्री का स्क्वायर यानी नाइन बाय टू। टू और टू करना है, टू और टू फोर, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन बाय टू एट। तो ये पहला मैट्रिक्स बन गया। तो हमें बेसिकली मैट्रिक्स बनाना था जिसके अंदर हर एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड पार्ट है कि आई बाय जे करो। अब आई बाय जे करना है तो ये तो सिंपल है, आई और जे को डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो चार एलिमेंट होंगे वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं। तो वन वन टू टू, अब हमें क्या करना है, आई और जे को डिवाइड करना है। तो पहले वाले में हो जाएगा वन बाय वन, फिर आ जाएगा वन बाय टू, क्योंकि आई वन है जे टू है और आई और जे को डिवाइड करना है इसके अकॉर्डिंग, फिर टू बाय वन और टू बाय टू वन। तो ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स बन गया, तो बहुत ही ईजी होता है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स तो वही बनाना है टू बाय टू का ही, यानी हम कहेंगे इसमें चार एलिमेंट होंगे हमारे पास ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू। अब हमें क्या करना है, I और J का डबल को ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। जब I को वन पुट करोगे आप, वन प्लस टू थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, तो नाइन बाई टू आ जाएगा। फिर I वन पुट करोगे वन और टू, J को टू पुट करोगे तो टू टू द फोर, फोर वन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव बाई टू हो जाएगा। फिर अगला I को टू और J को वन, तो टू प्लस टू फोर का स्क्वायर हो जाएगा, फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन बाई टू एट आ जाएगा। फिर आई को टू और जे को टू, तो टू प्लस फोर सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स बाई टू तो एटीन आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स बना लें। देखिए या तो ये पूरा मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है करने के लिए कि भाई यह मैट्रिक्स फ्रेम करो, या कोई ना वन मार्क का एक एलिमेंट भी पूछ सकते हैं कि भाई वन टू बताओ या टू वन बताओ। तो हमें सिर्फ उसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल एंड गुड। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन है कि अब हमें थ्री बाई फोर का मैट्रिक्स बनाना है, यानी बारह एलिमेंट हमें निकालने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स होगा बारह एलिमेंट वो कौन से होंगे। बारह एलिमेंट तीन रो हैं, तो पहली रो वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर, इसके आगे जाएंगे नहीं क्योंकि फोर कॉलम तक ही जाना है। फिर ए टू वन, ए टू टू, टू थ्री, टू फोर, और फिर थर्ड रो थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे ये मॉड लगा हुआ है, मॉड मॉड का मतलब समझते हैं, हमेशा पॉजिटिव आंसर देंगे, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर देना है। तो मतलब अगर नेगेटिव आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले, है ना। तो जब आई को वन और जे को वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन, मैं आपके लिए यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, माइनस थ्री प्लस वन, तो ये तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू का मॉड टू हो जाएगा बाहर आके, तो टू बाई टू वन आ जाएगा पहला एलिमेंट। फिर अगले वाले में माइनस थ्री प्लस टू हो जाएगा, यानी वन बाई टू हो जाएगा। फिर माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर माइनस थ्री प्लस फोर हो जाएगा, तो ये वन बाई टू आ जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ये चार एलिमेंट निकल गए हमारे पास। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले रो के लिए, निकालते हैं सारे के सारे, फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम जे को टू, आई को टू पुट करेंगे और जे को वन, तो माइनस सिक्स प्लस वन, तो माइनस का प्लस हो जाएगा फाइव बाई टू। अगला माइनस सिक्स प्लस टू, तो माइनस फोर का मॉड, तो फोर हो जाएगा, फोर बाई टू टू हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस सिक्स प्लस थ्री, थ्री बाई टू हो जाएगा। फिर माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू, तो टू का मॉड वन हो जाएगा, मतलब टू या आ जाएगा ऐसे माइनस सिक्स प्लस फोर, तो माइनस टू का मॉड टू और टू से टू कट गया वन। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट। अब थर्ड रो निकालनी है हमें,
थर्ड रो निकालनी है, तो थर्ड रो में हो जाएगा थ्री थ्री दन माइनस नाइन प्लस वन, यानी मॉड एट का हो जाएगा, एट का मॉड हो गया एट फोर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास माइनस नाइन प्लस टू माइनस सेवन, सेवन बाई टू यानी एट बाई टू, सेवन बाई टू, सिक्स बाई टू और फाइव बाई टू। इस तरह से हमारा पहला पार्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट को भी यहीं सॉल्व कर देते बेटा। सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी है, सेकेंड पार्ट में हमारा मैट्रिक्स तो वही रहेगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, सेकेंड पार्ट में मैट्रिक्स वही रहेगा, सिर्फ कंडीशन होगी कि टू आई माइनस जे कर रहा है। अब आपको टू आई माइनस जे करनी है इसके लिए, यानी आई को डबल करोगे तो पहली रो में तो आई तो वन है, तो ये हो जाएगा टू माइनस वन, टू माइनस टू, टू माइनस थ्री, टू माइनस फोर, ठीक है ना। तो टू माइनस वन करेंगे जब हम, तो टू माइनस वन वन आ जाएगा, फिर अगले वाले में टू माइनस टू करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर टू माइनस थ्री करेंगे माइनस वन हो जाएगा, और फिर टू माइनस फोर करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। अब सेकेंड रो में जब जाएंगे तो आई टू हो चुका है, तो फोर, फोर माइनस वन यानी थ्री, फिर फोर माइनस टू यानी टू, फिर फोर माइनस थ्री यानी वन, और फिर फोर माइनस फोर जीरो, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है। अब आई को थ्री पुट करेंगे हम यहाँ पे, थ्री टू तो सिक्स, सिक्स माइनस वन, फिर सिक्स माइनस टू, फिर सिक्स माइनस थ्री और सिक्स माइनस टू, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं, आपको कोई वर्किंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है सिक्स क्वेश्चन में, जो था कि कंपैरिजन, दो वेक्टर, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तो ये तो ऑर्डर सेम है। और उसके बाद हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करते हैं, यानी पहला ए वन वन वाला ए वन वन से इक्वेट होगा, तो वाई फोर के इक्वल आ गया, जेड थ्री के इक्वल होगा, एक्स वन के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और फाइव तो फाइव के इक्वल है, ठीक है। ये तो हो गया पहले पार्ट। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, एक्स प्लस वाई को जब सिक्स रखोगे तो एक ही क्वेश्चन ये बन गई, इसको इसके इक्वल रखोगे तो फाइव प्लस जेड इक्वल टू फाइव, तो जेड तो जीरो आ जाएगा, हमें एक्स और जेड ही निकालना। और जब इसको कंपेयर करोगे कि टू के इक्वल तो टू है ही, एक्स वाई हमारा एट आ गया। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ एट बाई सिक्स, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वाई की वैल्यू मैंने क्या किया, वहाँ ये निकाली एट बाई एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू वाई की पुट कर दी, तो एक्स प्लस एट बाई एक्स इक्वल टू सिक्स, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर फोर और टू बन रहे हैं, क्योंकि इस फोर और टू का सम सिक्स आता है और प्रोडक्ट एट आता है, यानी इसका मतलब हो गया हमारे पास एक्स टू हो गया, एक्स फोर हो गया और टू हो गया, एक्स फोर हो गया, तो वाई एट बाय फोर करेंगे तो वाई टू आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी आ गई। और एक अगर एक्स टू हो गया तो वाई एट बाय टू करेंगे तो फोर हो जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। जेड तो जीरो रहेगा तीनों केस में। अगला देखते हैं थर्ड केस, इसको जब इससे कंपेयर करेंगे हम थर्ड केस में, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड नाइन होगा, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड नाइन होगा। और जब इसको x प्लस जेड को फाइव रखेंगे, x और z को फाइव रखेंगे, तो फाइव प्लस वाई नाइन हो गया, y की वैल्यू फोर आ गई। अब y प्लस जेड सेवन है, तो y और z को जब सेवन रखोगे तो x प्लस सेवन इक्वल टू नाइन, तो x टू आ गया, ठीक है। अब x को 2, y को 4, तो यहाँ से z निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, और 2 और 4 6, 6 प्लस जेड इक्वल टू नाइन, जेड की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरह से हम कंपेयर करके अननोन कॉन्सेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी के ऊपर बेसिक और क्वेश्चन है, यहाँ पे अब ए बी सी डी निकाला, तो पहले हम कंपेयर करते हैं बेटे, इसको इससे कंपेयर किया तो एक क्वेश्चन आ गई ए माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, इसको इससे कंपेयर किया तो ये आ गया टू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब इसको हम टेंथ क्लास के मेथड से कर सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बाय एलिमिनेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, कैसे मर्जी कर लीजिए। तो यहाँ पे ना बी का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये कट जाएगा, तो ये माइनस ए इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, ए की वैल्यू वन आ जाएगी। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो वन माइनस बी इक्वल टू माइनस वन,
माइनस वन इधर चला जाएगा तो वन वन और वन टू हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू टू आ जाएगी। अब हम सेकेंड को सेकेंड यानी ए वन टू को ए वन टू से कंपेयर करते हैं, टू ए प्लस सी हमारा फाइव आ गया, ए की वैल्यू वन पुट करूँगा तो टू प्लस सी फाइव हो गया, सी की वैल्यू थ्री आ गई। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, थ्री सी प्लस डी हमारा थर्टीन है, सी हमारा थ्री है तो नाइन प्लस डी इक्वल टू थर्टीन, तो डी की वैल्यू हमारी फोर हो जाएगी। इस तरह से ए बी सी डी हम निकाल सकते हैं। और लास्ट थ्री क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपको याद है मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, तो एम और एन इसका ऑर्डर है एम बाय एन, तो एम रो है एन कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा जब दोनों बराबर होंगे, यानी एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। अगला कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन कि ना किस एक्स और वाई की वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो वाई माइनस टू फाइव तो वाई इक्वल टू सेवन आना चाहिए, बट यहाँ पे भी साथ साथ आपने चेक जरूर कर लेना कि वाई की वैल्यू सेवन मैच कर रही है कि नहीं कर रही, तो वाई प्लस वन इक्वल टू एट है तो वाई इक्वल टू सेवन, यानी वाई तो सेवन ठीक आ रहा है दोनों से, तो ये हर जगह से सेम वैल्यू आनी चाहिए, अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही तो ये हम कहेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम चलते हैं इसको कंपेयर करते हैं, थ्री एक्स प्लस सेवन को जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस सेवन बाय थ्री, इधर से भी सेम आनी चाहिए तो हमने इसको लिखा टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फोर, तो यह आ जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू तो वेरी कर रही है माइनस टू बाय थ्री आ गया है ना, तो एक्स की वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी सकती क्योंकि माइनस सेवन बाय थ्री इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा और ये इसको नहीं करेगा, यानी डाटा इनकरेक्ट है या फिर हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड नहीं आएगा बेसिकली फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दीज टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी इक्वल, हम ये कह सकते हैं कि कोई किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए दोनों बराबर नहीं होंगे, तो बेटर ऑप्शन बी दिख रही है तो बी लगा देते हैं, ठीक है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड होगा या फिर नो वैल्यूज ऑफ एक्स इज देयर विच मेक द मैट्रिक्स इक्वल, बेसिकली ये लिखा होना चाहिए था, ठीक है जो मैंने बोला। टेंथ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स से कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिसमें हम नंबर को जीरो या वन से फिल करें, तो याद होगा मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो बेसिकली यहाँ पे हर पोजीशन को हमें फिल करना है दो वे में, या तो फिल जीरो से फिल करके या टू से वन से फिल करके, यानी ईच पोजीशन कैन बी फिल्ड इन टू वेज, और ऐसे कितनी पोजीशन है नाइन, तो टू इंटू टू इंटू टू क्योंकि हर एक को फिल करना है हमने, तो हमारा आंसर आएगा टू की पावर नाइन, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था आपके सेकेंड ट्यूटोरियल में, तो टू की पावर नाइन यानी 512 मैट्रिक्स हमारे बन सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है, हमारा बेसिक पार्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वालिटी तक ओवर हो चुका है, अगली क्लास में सीखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है थैंक यू।